सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिखेश गोर में, जहां पर हम बात करेंगे आज मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र और सीखो कमाओ योजना के बारे में। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हम मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र में आवेदन करें या सीखो कमाओ योजना में आवेदन करें या दोनों में ही आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बैच 2 और सीखो कमाओ योजना दोनों ही के आवेदन आरंभ हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक आवेदन किसी में नहीं करवाया है तो आप जरूर करवा लीजिए, और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दोनों में आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बेच 2 मुख्यमंत्री सीखो कमाओ ऑनलाइन आवेदन करवाना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, जहां पर आपको पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देने के बाद आपका आवेदन किया जाएगा और आपको प्रिंट भी दिया जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए आप जरूर, अगर आपको करवाना है तो जरूर से आप कॉन्टेक्ट करिएगा हमसे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों ही वेबसाइट ओपन करके रखी है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र दोनों। दोस्तों मेरी बात सुनिए, अगर आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में भी आवेदन कर देते हैं और मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र में भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, आवेदन दोनों में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप पहले से जनसेवा मित्र हैं तो दोस्तों पहले आपको इसका अपडेट आने दीजिए। सीएम फिलो जब आपसे अगर बोल देता है कि आप जनसेवा मित्र हो फिर भी आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो आप जरूर करिए, क्योंकि मेन बात इसमें यह है कि जब आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में भी आवेदन कर देंगे तो आपको उसमें काम करने जाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी टाइमिंग आपको पता ही है कि 10 से 5 रहेगी। और अगर आपको जनसेवा मित्र में भी कोई काम टारगेट दिया गया है, कोई काम दिया गया, तो आप दोनों जगह कैसे मेंटेनेंस करोगे। इसलिए अगर आप जनसेवा मित्र पहले से हो तो मेरी सलाह यह है कि आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है, कर भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों जगह सेम काम रहेगा तो आप यहाँ पर नहीं मेंटेनेंस कर सकते, ठीक है। अगर आप मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र भी नहीं हो तो आप सीखो कमाओ योजना के साथ साथ जनसेवा मित्र में भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं अगर जनसेवा मित्र में नहीं आपकी ये आपका सिलेक्शन हो, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो कम से कम आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री, अगर आप जनसेवा मित्र नहीं है पहले से, अभी तक आपने आवेदन भी नहीं किया, तो जल्दी से जाकर आवेदन कर दीजिए, जिसकी लास्ट डेट 10 तारीख है और 25 तारीख तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मतलब 10 तारीख से लेकर 25 तारीख, मतलब टोटल 15 दिन में आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी और आपको ज्वाइनिंग भी दे देगी, क्योंकि 1 तारीख को भोपाल में बुट कैंप प्रस्तावित है, तो इसलिए आप जिनका भी सिलेक्शन होगा उन सभी को भोपाल कार्यक्रम में जाना पड़ेगा ज्वाइनिंग लेटर लेने। तो इसलिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जनसेवा मित्र के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए आप अगर पहले से जनसेवा मित्र हैं तो आप सीखो कमाओ योजना में रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, और अगर आप पहले से जनसेवा मित्र नहीं हैं तो आप दोनों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से एक जगह तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेरा इतना ही कहने का मतलब था कि आप जरूर करिए ट्राई दोनों में। तो चलिए मिलेंगे इसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी गई है, जहां से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी आपके साथ लाइव, आज हम आने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन से मौसम बहुत खराब था, पानी बहुत तेज आ रहा था, इसलिए मैंने आपसे ग्रुप में पोल भी किया था, तो आप सभी का बहुत सपोर्ट मिला, पर मैं आज जरूर लाइव आने की कोशिश करूंगा, 1 बजे 12 10 से 12 के बीच में कभी भी लाइव आ सकता हूँ। धन्यवाद।